को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई। जब इस बात से बहुत चक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यह नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौट कर उन्होंने उन ग्यारों को और सब को ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलनी और योन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्रियां भी थीं, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े